हम ये संदेश देने चाहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई सालों से पहले स्वच्छता अभियान को प्रारंभ किया है, उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2014 में रिपब्लिक डे के दिन में ये प्रारंभ किया है हमारे इंडिया को स्वच्छ रखे। इस कारण से होली कुंडा इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे जो बच्चे के साथ ये गली गली में सड़क सड़क में जाकर साफ सफाई करेंगे, इनका उद्देश्य ये होंगे। हम प्राय जब जाते हैं रोड से चले जाते हैं, कुछ कचरे हम लोग फेंक देते हैं, हम खुद जाकर हमारे टीचर्स हमारे स्टूडेंट सब जाकर हम ये साफ करेंगे, तब हमको ये लग जाते हैं आगे हम कचरा रोड में नहीं फेंकेंगे। और जो सोचा था कि स्वच्छ भारत बनाने का अखंड भारत जो टुकड़े में हो चुका है उसका एकजुट करने के लिए आज हम लोग जुटे हैं कि लोगों को एक जागरूक करें कि हमारा देश एक एकजुट देश है, एक सनातन देश है। उसके हिसाब से आज सारे बच्चे, छोटे से लेकर बड़े बच्चे, सारे बुजुर्ग से लेकर हर एक जन के हर एक उम्र के लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सफाई की उधर जाए, क्योंकि यही हमारे जीवन को स्वच्छ कर सकता है और हमारे देश को आगे बढ़ाने की प्रगति का एकमात्र रास्ता है। थैंक यू। ईशा परमार, होली किंगडम स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। और अब हम लोग आज जो कर रहे हैं स्वच्छता अभियान, वो हम लोग इस देश को, पूरा भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कर रहे हैं। और हम लोग इन सब के अंदर ये बात जगाना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अपना भारत को स्वच्छ बनाना चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने हमारे लिए एक स्वच्छ भारत अभियान का एक दिया था, उसे हमें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और इसकी शुरुआत हम अपने शहर कवर्धा से करना चाहेंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सबको फैलाना चाहेंगे और स्वच्छता को आगे बढ़ाना चाहेंगे। धन्यवाद। और मैं क्लास 9 से हूँ और आज हम लोग स्वच्छता अभियान करने जा रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस कवर्धा को पूरा साफ सुथरा रखना और कचरा उठाना। रोड में सभी लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमें कचरा को उठाना है और डस्टबिन में डालना है।